अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे अच्छे रहें और खुश रहते रहें। तो इसी नहीं तो साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भाई से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है उरिया? ठीक है। क्या है? ठीक हो? रेखा कर रही हो? जूती पा रही हो? जूती पा रही हो? आज जूती पा रही हो? अरे आज ये देखे, ये देखे भाइयों के साथ ना ऐसी लड़ती है ना बहुत ज्यादा। ये दिखा रहे हैं जी अपनी वीडियो में। और किसकी वीडियो में हो? मेरी वीडियो अपलोड कर दिए। नहीं जेल वाली वो वीडियो तो मेरी बनती है ना। चले आप दिखाना है बस दिखा देते हैं। हाँ दिखाना है दिखा देते हैं बस। चले ठीक है दिखा दो। चल आओ फिर सब देखे तो सही आपकी वीडियो ना बनती है ना। चले आओ अभी आपको सामान दिखाना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने लिया है पानी वाला कूलर। और ये छुरी और ये छनिया जो हमने चाय बनाते हैं ना चाय वाली। और वीडियो मुकम्मल देख के ना फिर हमें बताना ज़रूर है कि सामान ठीक लिया है कि कैसे लग रहा है आपको। बस ऐसे रखते हैं। ये गरम रोटी वाला है। ये आटा छानने के लिए ऐसे सूजी वगैरह। और एक कप और भी है 6 कप। ये नमक मिर्च और हल्दी वगैरह खुशबू धनिया जो भी होता है मसाले वो ये डब्बे हैं। और ये सेवैया छानने के लिए जो फ़रून लेते हैं ना ये वो है। तो ये ऐसा समझ लें इसमें चाय भी डाल सकते हैं पानी और पानी भी डाल सकते हैं। इसके साथ 6 गिलास भी हैं। ये गर्म भी रह सकता है ठंडा भी रह सकता है जी। पूरा सेट है ये। और ये घी वाला टिफिन जी। आटा गूंदने के लिए हमने जस्ट कोई था वो बर्तन नहीं लिया हमने सिर्फ स्टील के लिए जस्ट सिल्वर क्या कहते हैं जस्ट। हाँ वो मैं क्या कह रही हूँ फिर तो अभी जस्ट ये 3 कप और है। और ये सालन वाली देखती है जी इसके ऊपर वो प्लेट भी होगी। ये एंगल है और ये प्याले वो देखती का वो ऊपर प्लेट 6 12 12 12 और ये 6 कटोरियां सालन वाली और ये दूध वाली बाल्टी और ये 12 चम्मच। बस ना निकालो बस ठीक है ऐसे रख दो बस। ये बर्तन वाला टोकरा तीन उधर और ये जा नमाज माशाल्लाह से। ये एक और भी है ये पानी कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने के लिए। ये जा नमाज हो गया और 2 4 पाया जी। और ये लोटा हो गया। ये देखती के ऊपर जो प्लेट होते हैं ये हो गई। और ये डिनर सेट खोलो थोड़ा सा ऐसे दिखा दो आगे भी दिखाना है कि क्या करें।
कितने पीस है इसमें? 84 रख दे बस, ऐसे प्लेटें निकाल लो, 6 प्लेटें निकाल लो बस, प्लेटें होंगी इसमें सारा कुछ होगा। ये क्या है इसमें? कटोरियाँ हैं ऐसे ना, काफ़ी सारे बर्तन हैं इसमें। तो ये डिनर सेट की प्लेटें भी हमने निकाल दी हैं, ये देखिए ये वाला निकाल दिया, कुछ पड़ी है चम्मच वगैरह भी पड़े हैं और कुछ ये भी पड़े हैं, बड़ी प्लेटें पड़ी हैं ये भी हैं। और इसके अलावा जो है ना एक ये बड़ी संदूक होगी, ट्रंक, छोटे 2 बक्से, और इसके अलावा आटे वाली वो कटोरी ड्रमी। जी हाँ, फ्रेम समेत है, हाँ उसका भी फ्रेम नीचे है, इसका भी फ्रेम है नीचे। और ये जो मुकम्मल सामान है ना, तो जो कपड़े मैंने लेकर दिया ना, वो मेरी वीडियो में जाकर देखना, फैमिली फूड सीक्रेट, तो वो तस्कीन सजाद की अम्मी की तरफ से है सारे, और डिनर सेट भी, और डिनर सेट भी तस्कीन सजाद की अम्मी की तरफ से जी। तो बाकी का जो सामान है, बाकी का ये जो जितना सामान है ना, ये बक्से, ये संदूक, ये वो मटकी होगी, ये कूलर वगैरह, हाँ 2 चारपाया, ये सब कुछ जो है ना, ये जिन्होंने उनको कमरा बनवा के दिया था ना, उनका जिनकी शादी ने उनको कमरा बनवा के दिया, उनकी तरफ से है जी। और दावत का जो इंतजाम कर रही है ना, वो सुसाना और हाजरा की तरफ से जी। तो वो कल भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और मेहंदी वाले दिन भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारी बहनों को सिहत दे लंबी, और जिन्होंने भी जो हेल्प किया ना, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे जी। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जे देखें किसी गरीब लड़की की शादी हो जाए, किसी के ये बर्तन ये इस्तेमाल करने की चीज़ें है ना, सब चीज़ें ऐसी ली हैं कि ताकि उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। हाँ ऐसे चीज़ जो ली है ना, वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हों, हाँ जैसे हमारे घर में मौजूद होती है, हाँ तो उसको किसी चीज़ की कमी ना हो जी। तो शादी भी हो जाएगी एक गरीब लड़की की, वो दुआ अलावा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ना शॉपिंग आपको पसंद आई होगी, तो कॉमेंट सेक्शन में अपना कीमती राय का जवाब ज़रूर देना है। तो अभी पैक करते हैं, अभी लेके जाना है क्योंकि कल उनकी बारात आनी है, अभी जाकर लेके जाना है। अभी वो लेने गए हुए हैं तंबू, रिक्शे वाला आया हुआ है, तंबू और प्लेटें वगैरह, और लाइटिंग का थोड़ा सा इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि जो है ना फिर पूरी मुकम्मल उनको जो उनकी ख्वाहिश जो उससे पूरी होती है वो तो हम करेंगे। तो अभी ये ना तंबू, 2 तंबू हमें उठाए हैं ये साथ में लगाने के लिए, रस्से वगैरह ये सब कुछ, और बर्तन नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे रोटी चलाने के लिए। तो अभी इस पे सारा सामान वो लोड करते हैं, जो अंदर वाला है वो वाला, वो सारा सामान जो है ना लोड करते हैं फिर इसे। संदूक हमने रख दिया, तो ये सारा सामान उधर ही रख देंगे संदूक के अंदर ही, बर्तन वगैरह, ताकि टूटे ना। तो अभी सारा सामान जो है ना लोड हो गया, जो हमने लिया हुआ था ना, तो अब ये जो उठा के ले आए हैं ना शहर से, प्लेटें, जग, ये थाल वगैरह, और ये तंबू, तो अभी ये ऊपर रखते हैं। अभी अच्छी तरह इसको ना लोड करके ना बांध देंगे, ताकि रास्ते में ना कोई नुकसान ना हो। आराम से को प्रिया आओ घर से। हुरिया जना माशाल्लाह से, हुरिया माशाल्लाह से जो है ना ऐसे है कि हाँ चलो हुरिया खुलवाने, हाँ वीडियो बड़े बढ़ती भी हुरिया बढ़ती भी है, हाँ मेरी चंद हुरिया जना मेरे साथ जाती है ना शहर में, तो जो भी जहाँ भी जाते हैं ना हम, तो पहले सलाम करती है, ये काम भी करवाती है अम्मी को। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक का जितना
जितना शुक्र अदा करें ना कम है, क्यों कि हमारे यहाँ चक्की से, हमारे घर से लेके चक्की तक का सफ़र जो है ना तकरीबन एक एकड़ का सफ़र है। एक मिनट हो गया मेरी बेटा, चुप करो, इधर आओ, एक मिनट। तो हुरिया ने ना, माशाल्लाह हुरिया, तो यहाँ से पानी लेके गई है ठंडा गिलास में, आधा तो ज़ाया हो गया, बाकी आधा जो है ना मुझे दे के उधर। तो बेटी जो है ना, बाकी ये सच है कि सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं और अल्लाह की रहमत होती हैं, इनके साथ फ़र्क भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको एक औलाद दे। हुरिया केस करो इधर, अप्पा दो, अप्पा इधर, हाँ मेरी चैन दो।